मैं आपको जैसा कह रहा था, ये देखिए कितने बड़े बड़े और सुंदर डिस्प्लेज हैं। इन डिस्प्लेज पे आपको इस प्रकार की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि एक यंग ट्रेनी से लेके एक एडवांस पायलट के कॉकपिट में होती हैं। जी, इस कॉकपिट में आपको इतनी जगह तो नहीं मिलेगी, बट ये कॉकपिट उस एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि ट्रेनी की लाइफ में फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है, जो कि वो सारी जिंदगी इस तरह के कॉकपिट्स और शायद इससे और छोटे कॉकपिट्स में फ्लाई करेगा। ये आपने बताया था सेफ है, जब हम फ्लाई करने लगते हैं देन यू हैव टू प्रेस इट। ये है इजेक्शन सीट का सेफ्टी लीवर। ओके, इससे आप इजेक्शन सीट को सेफ और आर्म्ड कर सकते हैं। और आर्म्ड कर सकते हैं। सेफ हो, ये आर्म्ड हो गया एंड दिस इज सेफ हो गया। अगर सीट आर्म्ड है और आप इजेक्शन सीट हैंडल खींचेंगे जी, तो आप बहुत ही जोर से, आपके नीचे रॉकेट मोटर्स चालू होंगी जी, जैसे आपको हमने 2G और 3G समझाया था जी जी, आप 17-18G से कॉकपिट के बाहर फेंके जाएंगे ताकि आप कोई भी डैमेज जो एयरक्राफ्ट को हो रहा है जी, उस क्षतिग्रस्त एयरक्राफ्ट से आप दूर रहें। इसलिए आपको इस रॉकेट बूस्टर्स के थ्रू 16-18G की फोर्स से बाहर फेंका जाएगा कॉकपिट के। देखते ही देखते हम आसमान की उड़ान भर रहे थे। हम जमीन से 22,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। अब फाइटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ने हवा में गोते खाना शुरू किया। कभी हमारा एयरक्राफ्ट आसमान में बादलों को चीरता हुआ निकला, तो कभी कलाबाजी करते हुए जमीन को छूने लगा। कभी पायलट एयरक्राफ्ट को उल्टा करके उड़ाते तो कभी इन्वर्टेड उड़ाते। उड़ान के दौरान कई बार हम पहाड़ों के करीब से भी गुजरे। अचानक पायलट ने एयरक्राफ्ट को आसमान में 90 डिग्री पर घुमा दिया। एयरक्राफ्ट बिल्कुल सीधा हो गया। मेरा वजन 1G से बढ़कर सीधा 5G पहुंच गया, यानी 5 गुना। दरअसल सामान्य स्थिति में वजन 1G होता है, लेकिन वर्टिकल फ्लाइट में ये 5G तक पहुंच जाता है, यानी मेरा वजन 70 किलो से बढ़कर सीधा 350 किलो के करीब पहुंच गया। अब हम रनवे पर लौट चुके थे। चेहरे पर मिशन पूरा होने का सुकून था। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। और आई थिंक अवस्थी जी बताएंगे ज्यादा कि किस तरह से हम पहाड़ों के बीच में गए और फिर एक तरह तो बादल के बीच में भी चले गए थे, तो अवस्थी जी उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस समय मेरे कान बंद हैं और ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा, और ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बहुत वज़न मेरे पे डाला गया है और मैं बहुत, जिसे कहते हैं, पानी की प्यास लग रही है, तो इस तरह का महसूस हो रहा है।